हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। मायसेल्फ राजकुमारी शर्मा, हिंदी टीचर ऑफ क्लास 3। तो बच्चों, आज जो है हम सेखीबाज मक्खी का लेसन 2, सेखीबाज मक्खी का जो है आज हम रिवीजन करेंगे। तो चलिए करते हैं। देखिए, इन शब्दों का जो है हमें क्या करना है, यानी हमें इसका जो है मीनिंग लिखना है, अर्थ लिखना है। मुश्किल का कठिन, प्रणाम का नमस्कार, शोभा सुंदरता, घायल जख्मी, दहाड़ा गरजना, हिम्मत साहस, विशालकाय बहुत बड़ा, या विराट भी लिख सकते हैं। हिम्मत फिर डबल दे दिया है, इसलिए यहाँ पर भी साहस लिखेंगे। अब देखिए, पाठबोध में आपका सही मिलान कीजिए, है ना। अ है यहाँ, ब है, क में एक शेर भोजन करके आपको यहाँ दिया है, कितने सारे उसमें से चुनकर हम लिखेंगे। 5 नंबर का आराम कर रहा था, इसमें इसको मिलाएंगे। मक्खी तो उड़ गई पर, अब देखिए क्या हुआ था उसके बारे में लिखेंगे। 3 में कान जरा छिल गया। ग नंबर शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता, है ना। घ में हाथी ने सूंड उठाकर मक्खी को प्रणाम किया। अंग नंबर उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ख़त्म कर देती हूँ। तो इसको ये जो है सही मिलान करेंगे, है ना। नंबर 2 में देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़कर सही उत्तर पर सही का निशान लगाएंगे। क नंबर में है देखिए, शेर जंगल में क्या कर रहा था, यहाँ पर 3 तो उसका आंसर दिया हुआ है, कौन सा उत्तर सही होगा उस पर हम जो है राइट मारेंगे। जैसे नंबर 1 में सैर कर रहा था, नंबर 2 घूम रहा था, नंबर 3 आराम कर रहा था, तो कौन सा होगा बच्चों, नंबर 3 आराम कर रहा था, इसमें हम राइट मारेंगे। चलिए पेज पलटते हैं। ख नंबर, थक कर शेर ने क्या कहा, तो इसमें भी इसका 3 तो जो दिया है ऑप्शन दिया हुआ आपको। 1 में चुप हो जा, दूसरे में मैं हारा और तुम जीती, तीसरे में मैं जीता और तुम हारी। तो देखिए इसका सटीक उत्तर होगा मैं हारा और तुम जीती, यहाँ पर हम राइट मारेंगे, है ना। ग नंबर में लोमड़ी की बात सुनकर मक्खी को क्या हुआ, तो यहाँ पर भी ऑप्शन आपको दिया है, वह खुशी से लाल हो उठी, सेकंड में वह क्रोध से लाल हो उठी, नंबर 3 वह दुख से लाल हो उठी। तो हमारा कौन सा उत्तर होगा, वह क्रोध से लाल हो उठी, यहाँ पर राइट मारेंगे सेकंड का। अब नंबर 3 में देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में, यानी शॉर्टकट में आंसर दे उसका देंगे। क नंबर में देखिए, मक्खी शेर के कान के पास भिन भिन क्यों कर रही थी, इसका उत्तर हम लिखेंगे, शेर 2-3 दिनों से नहाया नहीं था, इसलिए मक्खी शेर के कान के पास भिन भिन कर रही थी, है ना बच्चों। ख नंबर, शेर ने दहाड़ कर मक्खी से क्या कहा, हम इसका उत्तर लिखेंगे, शेर ने दहाड़ कर कहा, चल दूर हट वरना मार डालूँगा। ग नंबर, मक्खी ने लोमड़ी से क्या कहा, उत्तर हम लिखेंगे, मक्खी ने लोमड़ी से कहा, मैंने जंगल के राजा और विशालकाय हाथी को हराया है, इसलिए तू मुझे प्रणाम कर। घ नंबर, अंत में मक्खी का क्या हुआ, हम लिखेंगे इसका उत्तर, अंत में अपने घमंड के कारण मक्खी मकड़ी के जाल में फंसकर रह गई और निकल नहीं पाई, है ना। नंबर 4 में देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क नंबर है, शेर को कौन तंग कर रहा था और कैसे, तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, शेर 2-3 दिनों से नहाया नहीं, न नहाने के कारण शेर के, इसका आंसर फिर से हम देखिए रिपीट कर रहे हैं, शेर के 2-3 दिनों से न नहाने के कारण मक्खी भिन भिन करके तंग कर रही थी। ख नंबर, मक्खी के कहने पर हाथी ने उसको प्रणाम क्यों किया, तो हम यह इसका उत्तर लिखेंगे, हाथी ने सोचा इस मूर्ख मक्खी से बहस कौन करके समय बर्बाद करे, है ना, इसलिए मक्खी के कहने पर हाथी ने उसे प्रणाम किया। चलिए अब दूसरे पेज में। ग नंबर, लोमड़ी ने मक्खी को मकड़ी के पास क्यों भेजा, हम इसका उत्तर लिखेंगे, लोमड़ी ने मक्खी को सबक सिखाने के लिए मकड़ी के पास भेजा, है ना। अब चलिए व्याकरण बोध का करेंगे, विपरीत अर्थ वाले शब्द मिलाइए। विपरीत बोलने से अपोजिट वर्ड, है ना, अ और ब दिया है, तो देखिए क का पास
यहाँ लिखेंगे पास का दूर। मुश्किल यहाँ लिखेंगे आसान। ग नंबर धीरे यहाँ लिखेंगे तेज। घ नंबर खत्म इसका लिखेंगे शुरू। अंग नंबर हार, हार का यहाँ पर जीत है ना। अब देखिए नंबर टू, दिए गए शब्दों से सही जगह पर अनुस्वार यानी अंक की मात्रा व अनुनासिक चंद्र बिंदु का चिन्ह लगाइए। तो क में देखिए जंगल, इसमें कौन सा लगेगा अनुस्वार है ना, एक बिंदु देंगे तो होगा हमारा जंगल। ख में वहाँ, यहाँ पर चंद्र बिंदु लगेगा। ग में पहुँची, ह के ऊपर भी चंद्र बिंदु लगेगा। घ नींद, यहाँ पर कौन सा लगेगा अनुस्वार यानी अंक की मात्रा। अंग नंबर डालूंगा तो ल के ऊपर चंद्र बिंदु होगा। च मुँह, म में चंद्र बिंदु। छ में मंद मंद, तो यहाँ पर अंक की मात्रा लगाएंगे म के ऊपर है ना। ज में ज्यों, यहाँ पर भी आपको अंक की मात्रा यानी अनुस्वार लगेगा। नंबर थ्री, निम्नलिखित वाक्यांशों को उनके अर्थ से मिलाइए। यहाँ पर भी अ और ब दिया है। क नंबर देखिए आग बबूला होना, तो यहाँ पर हम इसको मिलाएंगे बहुत गुस्सा करना। ख नंबर मंद मंद मुस्कुराना, तो ये हम लिखेंगे यहाँ पर धीरे धीरे मुस्कुराना, इसमें लगाएंगे। ग नंबर गुस्से से लाल होना, इसमें हम लगाएंगे बहुत गुस्से में आ जाना। घ नंबर घमंड से चूर, यहाँ पर लगाएंगे बहुत अधिक अभिमान करना। च नंबर ये सॉरी अंग नंबर चुटकी बजाते ख़त्म करना, ये लिखेंगे। देखिए आसानी से काम को कर लेना है ना। खबर लेना, ये होगा हमारा सजा देना। चलती बनी चले जाना। चलिए दूसरे पेज पलटते हैं। तो ये जो है देखिए अंताक्षरी है ना। बर्तन, बर्तन में न जो है अंत में आया है, तो न शब्द को लेकर फिर एक शब्द हम लिखेंगे नल। ल आया है जिसका अंत शब्द, तो यहाँ लिखेंगे लड़का। यहाँ पर क आया, क से काम। म आया तो यहाँ पर हम लिखेंगे मकड़ी। अब देखिए दिए गए संकेतों को पढ़कर रिक्त स्थान भरेंगे। जैसे क नंबर में हमें दिया है जंगल का राजा कौन होगा, शेर। ख नंबर विशालकाय जानवर, यहाँ हम लिखेंगे हाथी। ग नंबर चालाक जानवर, यहाँ हम लिखेंगे लोमड़ी। घ नंबर रेगिस्तान का जहाज, यहाँ लिखेंगे ऊँट। अंग नंबर सफ़ेद और काली धारी वाला जानवर, यहाँ लिखेंगे जेबरा। च नंबर सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर, तो ये होगा हमारा चीता है ना। अब देखिए बच्चों यहाँ पर जो है दूसरे पेज में आते हैं। यहाँ पर जानवरों के जो है कुछ चित्र दिए गए हैं और उनके घर की तालिका दी गई है। तो हम इसको किसका घर कौन सा है उसको दिखलाएंगे है ना। चिड़िया का जैसे घोंसला होता है, तो इसी तरह से यहाँ पर देखिए ये जो है खरगोश का यहाँ पर होगा, बंदर का पेड़ में होगा, और गाय का यहाँ पर गौशाला में होगा, हाथी ये सॉरी मछली का पानी में होगा, घोड़ा का अस्तबल में, और शेर का गुफा में होगा। हो गया बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। तो आप